नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपने विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। एक लंबे अरसे के बाद आप सबके सामने मैं फिर हाजिर हुआ हूं, लेकिन आज जो विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारत और नेपाल का जो वैवाहिक संबंध सदियों से चला आ रहा है, और अगर कहें तो पौराणिक काल से ही ये संबंध बहुत ही अच्छे स्तर पर रहा है, तो आखिर आज के समय में भारत और नेपाल के बीच जो वैवाहिक संबंध थे उसमें आखिर कमी क्यों आ रही है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो समाज है, जो भारतीय समाज है, उसमें जो विघटन हुआ है उसके पीछे क्या कारण है। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर मैंने जातियों के इतिहास संबंधित वीडियोज डाले थे और उनको इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया और एक्सप्लोर किया था ताकि हम सभी अपने जाति के प्रति जान सकें और ये समझ सकें कि आप किसी ने हमें जातिगत बंटवारे में कभी हीन या उच्च नहीं बताया, यानी कि हमारे शास्त्रों में या जो हमारी संस्कृति रही है उसमें हर तरह की संस्कृति फली फूली है। किसी भी संस्कृति पर किसी भी तरह का दोषारोपण करके कभी किसी ने उसको मिटाने या छोटा बड़ा करने का प्रयास नहीं किया है। हालांकि ब्रिटिश काल और मुगल काल में हमारे साथ हमारे इतिहास में बहुत सारे छेड़छाड़ किए गए, बहुत सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, और वो पुस्तकें जो आज हम पढ़ रहे हैं कि ये छोटी जाते वो बड़ी जाते, वो अगर आप उसको रिसर्च करेंगे, मैंने रिसर्च करके ये बात बताई कि हमारे यहाँ जातियों को छोटा बड़ा नहीं बताया गया था, सबका अलग अलग कार्य था और हर जो जाति है वो कहीं ना कहीं अपने आप में श्रेष्ठ थी। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि पानी में महाश्रेष्ठ है, कृषि में कूर्म क्षत्रिय श्रेष्ठ है, चमड़े व्यवसाय में चर्मकार श्रेष्ठ है और चमड़े को कैसे संधान किया जाए उसमें चर्मकार श्रेष्ठ है, पूजा में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, लड़ने में क्षत्रिय श्रेष्ठ है और राज करने में राजपूत श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये हमारे संस्कृति का एक व्यवस्था था। तो इस टॉपिक को मैं सबसे लास्ट में इलाबोरेट करूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं या क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियां नई क्रिएट हुई हैं जिससे भारत और नेपाल के बीच जो वैवाहिक संबंध थे उसमें लगातार कमी आ गई। तो दोस्तों, जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है, अगर आप देखें तो गोरखपुर के पास बॉर्डर है और अगर आप देखें तो तुलसीपुर जो उत्तर प्रदेश का एक इलाका है, तुलसीपुर के बाद जो है वहां से नेपाल का बॉर्डर है। अगर तीसरा बॉर्डर देखें तो जंगलों में होता हुआ जो बॉर्डर है वो मूर्तिहा और कदनिया घाट के आसपास कुछ बॉर्डर इलाके हैं, और एक और बॉर्डर है जो बहराइच से नालबारा की तरफ जाने के बाद एक जो नेपालगंज की तरफ जो बॉर्डर है वो भारत की सीमा को छूता है नेपाल का। लेकिन बेसिकली जो ओपन बॉर्डर है जहां से आवागमन होता है वो गोरखपुर बॉर्डर या फिर तुलसीपुर के पास जो नेपाल का बॉर्डर है वहां से लोग आते जाते हैं, और ये जो बॉर्डर है जो तुलसीपुर से नेपाल की तरफ आने जाने हैं वहां तक ट्रेनें भी चलती हैं, भारत की भारतीय सीमा तक भारत की ट्रेन चलती है और पहले बिहार आज तक वैवाहिक कार्यक्रम और वैवाहिक संबंध बनाए जाते थे। लेकिन बीच में इसमें कमी इस वजह से आई जो एनालाइज मैंने किया, अभी जल्दी ही मैं नेपाल विजिट करके आया हूं। तो पहले जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, हालांकि मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि किसी भी तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या सुरक्षा में जो वहां पे चेकिंग आदि होती है उस पर कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर नेपाल हमारे लिए कुछ गलत नहीं करता है तो बाहर से जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से या किसी और देश से जो घुसपैठी आना चाहेंगे अगर हम वहां चेकिंग आदि नहीं करेंगे तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। और तो सबसे पहले क्या है कि वहां पर अब चेकिंग जो हो रही है उसका जो तरीका है वो थोड़ा सुधारने लायक कर सकते हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों तरफ, चाहे वो नेपाली सुरक्षा व्यवस्था हो चाहे इंडियन सुरक्षा व्यवस्था हो। अगर आप देखेंगे तो जब नेपाली इधर से इंडिया से कुछ सामान लेकर जाता है उसमें वो क्या 2 किलो चीनी 5 किलो आटा या फिर कुछ खाने पीने के सामान लेकर जाता है, लेकिन उसके साथ इंडियन फोर्सेस भी दुर्व्यवहार करती है और फिर अंदर जाने के बाद भी वहां पर दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर कॉमनली आप देखें तो वहां पर ऐसे शब्द इस्तेमाल किया जा सकते हैं, चल भिखारी लेके निकल, मतलब नेपालियों के साथ, जबकि आप जानते हैं कि नेपाल हमारा संबंधी राष्ट्र है तो हमें अपने संबंधियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो लोग वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं वो कम से कम खुद अपने मुंह से ये किसी भी संबंधी से ना करें, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो हमारा अतिथि है, अब नेपाल से जब वो आ रहा है तो हमारा अतिथि हुआ ना, तो वहां पर अतिथि देवो भव को हमें लागू करना चाहिए और उनके साथ एक कैजुअल चेकिंग होनी चाहिए, डीप चेकिंग होनी चाहिए, अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए,
लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आप देखें तो जो भंसार कटने की परंपरा है नेपाल और इंडिया बॉर्डर के बीच में, वो काफी खर्चीला हो गया है। तो अब आज आप शादी में जैसे जनसंख्या बढ़ी तो पहले बाराती 10-20 लोग जाते थे, लेकिन आप बाराती गाड़ियों से जाते हैं, 10-20 गाड़ियां जाना चाहती हैं, तो कितना खर्चा बढ़ जाता है, लगभग 10,000-15,000 का बॉर्डर पे ही भंसार कट जाता है। तो ये सब खर्चे हैं जो लड़की वालों को अफोर्ड करने पड़ते हैं या फिर लड़के वालों को अफोर्ड करने पड़ते हैं। ये सब जो प्रमुख कारण है उससे भारत नेपाल के संबंधों में थोड़ी दूरी बनी है। वो ऐसी किसी राष्ट्रीय स्तर पर दूरी नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोगों निवासियों के बीच के जो पहले संबंध हुआ करते थे उनमें कमी आई है। जैसे अगर आप देखें तो भारत नेपाल में दो तरह से शादियां होती थी, एक तो लव मैरिज और दूसरी अरेंज मैरिज, और ज्यादातर बॉर्डर इलाके में अरेंज मैरिज होती थी। लेकिन अभी भी अरेंज मैरिज में भी यही नेपाल वाले जब शादी करना चाहते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो हर आदमी, हर पेरेंट्स जो है इसको डिनाई करने का प्रयास करता है और कुछ सोचता है कि क्यों ना मैं नेपाल में ही कोई अच्छा लड़का रिश्ता ढूंढकर शादी कर दूं। तो एक देखिए, हमारा ये संबंध बहुत पुराना है, हमको इस संबंध को बरकरार रखना चाहिए। और जो है कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे शादी वादी के टाइम पर कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में दोनों पक्षों को कोई परेशानी ना हो। तो ये था एक कारण जो भारत और नेपाल के शादी विवाहिक संबंधों में जो गिरावट आई है, जो गिरावट दर नोट की गई है, इसके बारे में बीबीसी ने भी रिपोर्ट सबमिट की है, उसी पर मैं चर्चा करना चाह रहा था। और दूसरा ये कि जो हमारा चैनल है इस पर हमने हमारा समाज है, आज देखिए राजनीति के दौर में कितना गिरावट आ गया है, कितना स्तर का स्तरीय गिरावट है। ये स्तरीय गिरावट है, जैसे भावनाओं में लोग कोई सोच रहा है कि मैं छोटी जाति का हूं, कोई बड़ी जाति का हूं, ये सब राजनीतिकरण है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सन 1900 से पहले भारत में लिखी हुई पुस्तकें बहुत ज्यादा प्रकाशन में नहीं थी, बहुत कम पुस्तकें थी, जो अगर थी भी तो वो थी साधुओं के पास, सन्यासियों के पास या उनके देव गुरुओं के पास, ऐसी हमारी सांस्कृतिक पुस्तकें थी। तो अब उसको तो कोई पढ़ना नहीं चाहता, अब दुनिया भर के प्रकाशन आ गए, बाबा प्रकाशन, ये प्रकाशन, वो प्रकाशन। लेकिन उस समय जब 1900 में किताबें लिखी गई तो उसमें अलग अलग भावनाओं से लोगों ने लिख दिया, और उन भावनाओं का प्रयोग आज राजनीतिक स्तर पर किया जा रहा है, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब शक्तियों से आप दूर रहें, बस ये जाने कि सभी भारतीयों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे हमले झेले हैं, और हम सब एक साथ रहे हैं तब इतने विकसित होने की कगार पर आज हम खड़े हैं। और रही बात हमारे चैनल की, तो हमारा चैनल जातियों का इतिहास इसीलिए लेकर आता है, और मैं स्पेशली मैं जानता हूं कि जब मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा ये YouTube चैनल रहेगा और लोगों को बताता रहेगा कि हर जाति की अपनी एक महत्ता रही है, इसलिए मैं इस चैनल पर जातियों का इतिहास बताता हूं। और इतिहास बताने का सिर्फ यही कारण है कि हम आपस में भाईचारे से जुड़े, हम आपस में समझें और हर जाति का जो है हम योगदान समझें। और आज के टाइम पे आप जानते हैं जातियों का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, जो जितना पढ़ लिख जाता है वो उतना काबिल हो जाता है और उसको उतनी अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी मिलती है, उसको उतनी अच्छी जगह पे नौकरी मिलती है। हालांकि आज देश में नौकरियां घट गई हैं, उसका भी कारण है नौकरियां कौन खा रहा है। कोई भी सरकार नौकरियां बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पर 4-4, 10-10 लोग काम किया करते थे, वहां पर वो काम करने के लिए एक कंप्यूटर बहुत काफी है। तो अब युग बदल रहा है, लोगों को काम करना कम करना पड़ेगा, ज्यादा काम मशीनरी से होगा। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना, जितना हो सके उनको टेक्निकल बनाए, उनको कंप्यूटर से जोड़े, हमको ये सोचना होगा ताकि वो स्वावलंबी हो सके, कुछ ऐसी मशीनें वो ऑपरेट कर पाए या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर पाए जिससे हमारा मानवीय जीवन जो है सुगम हो सके। और बहुत दिनों बाद आया हूँ, मेरे कुछ दोस्त आज मुझे कमेंट भी करेंगे कि यार आप इतने दिन कहाँ थे, ये वो। तो मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। पीछे 2 साल भर से मैं अपने कुछ निजी कार्यों में बहुत व्यस्त था, और इस बीच में कुछ रेडियो पे भी काम करना शुरू कर दिया हूँ एज ए। उसके अलावा मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और एनोरेक्टल सर्जरीज भी करता हूँ, ये पहली बार मैंने इस समय पर आप सबको बताया है। तो थोड़ा व्यस्त लाइफ रहती है, और अब YouTube को मैं समय दूंगा। मैंने डिसाइड किया है कि अब आगे से लगातार आपको वीडियोस देता रहूंगा और हर जातियों के इतिहास और उनको कैसे एकता में जोड़ा जाए इस पर चर्चा करता रहूंगा। तो आप सभी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मैं वैद्य अभिषेक कुमार वास आज इसी कुछ चर्चा के साथ आपसे विदा लेता हूँ, तब तक सभी को नमस्कार।